नीतीश सरकार बा। इस सरकार का विकास आप देख सकते हैं। ये जो विकास है, यहाँ लोग आते कैसे होंगे? खेत है तो आखिर रोपना ही पड़ेगा, तो कोई खेत होते हुए जाते हैं तो दो चार बात तो बोल ही देते हैं। नमस्कार, आवाज 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पूजा मिश्रा और आज हम करेंगे पंचायत की बात। आप देख सकते होंगे कि हम ट्रैक्टर से जा रहे हैं और हम मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर जा रहे हैं। और आपको सबसे पहले बता दें कि हम विकास से मुलाकात करने जा रहे हैं। जी हाँ, वही विकास जो मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर भी एक सड़क नहीं बना हुआ है। हम जा रहे हैं झुन्नी स्तंभरा पंचायत, क्योंकि पंचायत की बात आपके साथ में हम झुन्नी स्तंभरा पंचायत आपको दिखा चुके हैं, लेकिन पब्लिक के विशेष डिमांड पर एक ऐसा गांव जहां स्तंभरा पंचायत में है जहां सड़क नहीं है, आज हम उस जगह आपको लेके जा रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं झुन्नी स्तंभरा पंचायत। ये है रास्ता आजादी के 70 साल के बाद का विकास। बिहार में बाहर बा नीतीश सरकार बा और ये है नीतीश सरकार का विकास। आप देख सकते हैं ये जो विकास है, यहाँ लोग आते कैसे होंगे? आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर पे जाने में कितनी कठिनाई हो रही है। तो आखिर जब लोग बीमार पड़ते होंगे तो यहाँ एम्बुलेंस कैसे आती होगी? लोग अस्पताल तक कैसे जाते होंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है सरकार के लिए, यह बहुत बड़ा सवाल है। अभी दूर से कुछ महिलाएं आ रही हैं और आप देख सकते हैं कि बच्चों को लेकर कितनी कठिनाई के साथ महिलाएं जो है रास्ता पार कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि घुटने भर पानी हेल कर किस तरह बच्चे को लेकर ये लड़कियां महिलाएं बाहर आ रही है। आप यहाँ के कहाँ के, किस गांव से हैं? यही समुद्र रेखा के। इसी तरह आते हैं? हाँ। रास्ता नहीं है? नहीं है, नहीं है। कब किस तरह इधर आते हैं? इसी तरह पानी होके, इसी पानी में हेल हेल के आते हैं। बहुत खराब है रास्ता, लेकिन क्या करें, मजबूरी आना पड़ता है। क्या परेशानी होती है? और सब कुछ परेशानी, रोड के वजह से बहुत परेशानी। रोड बनेगा तो सब कुछ के लिए अच्छा होगा। कितने दिनों से ऐसे आते हैं? बहुत साल से बहुत साल से ऐसे। बहुत साल अगर कोई बीमार पड़ता है तो किस तरह आते हैं? ये ट्रैक्टर होके आते हैं, पैदल होके आते हैं, यही पानी में बुल के आते हैं। लेकिन क्या करें, घर द्वार उधर है तो इधर आना ही पड़ेगा। बीमार होके भी क्या करें हम लोग, इसलिए हम लोग जोनिस लगा रहे हैं कि रोड बने। तो गर्भवती महिलाएं जो है जिनको यहाँ तक लाने में तो बहुत कठिनाई होती है। कठिन, वही ट्रैक्टर के आते हैं उधर से और इधर टेम्पू से, कभी कभी रास्ते में भी हो जाता है ड्राइवरी। बहुत सारी घटनाएं घट गई होगी इस सड़क में? बहुत बहुत, क्या बताएं, बहुत हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह यह खतरनाक जो है रास्ता है, लोग इसे पार करते हैं और कितने बार तो डिलीवरी, गर्भवती महिला की डिलीवरी रास्ते में ही हो जाती है। ये महिला बता रही है, यह विकास है सरकार आपका विकास, यह विकास है और यह दिख रहा है। शहर से इतना नजदीक और 2200 की आबादी वाले गांव कि शुरुआत की स्थिति जो है इतनी दयनीय है। अभी अंदर जाएंगे और अंदर जाकर दिखाएंगे जो आखिर क्या विकास हुआ है आज़ादी के इतने दिनों बाद, आखिर क्या विकास हुआ है जहां सरकार
लोग, सत्ता के लोग, विपक्ष के लोग भी विकास की माला जपते हैं, लेकिन असली विकास जो है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अभी हमको, हमें और विकास को ढूंढना है और हम आगे चलेंगे। तो हमारे साथ आप बने रहे। परेशानी है वही रोड के वजह से परेशानी है, और यही रोड बनेगा तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत विकास करेंगे। क्या क्या परेशानी होती है पूरी बात बताएं। पूरी बात क्या बताएं, घर मतलब पानी बढ़ता है तो घर द्वार भी खराब हो जाता है पानी के वजह से। अगर ये रोड बनेगा तो हम लोग के लिए सब कुछ सुविधा होगा, सब कुछ, खेती गृहस्थी और सब कुछ, बच्चा सबको पढ़ाई के लिए भी और कुछ के लिए भी, बिजनेस के लिए भी। इसी के रोड के कारण से हम लोग कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं। क्या परेशानी महिलाओं को, गर्भवती महिलाएं हैं जो लोग बीमार रहते हैं, उन्हें क्या परेशानी होती है? बहुत परेशानी होके इधर उधर भटक के भटक के बुलते हिलते आते हैं, और कभी कभी रास्ते में भी हो जाता है। रास्ते में भी डिलीवरी हो जाती है? पक्का हो गया है, तो दो दिनों को हुआ है और हो भी गया है। इतने दिनों में आप लोगों ने किसी भी जनप्रतिनिधि से किसी तरह का शिकायत नहीं किया? शिकायत किए थे लेकिन कोई सुनता नहीं है। बहुत शिकायत किए, बहुत नेता सब भी और मुख्यमंत्री सब भी, बनेगा बनेगा लेकिन कुछ नहीं बनेगा। जब वोट आएगा तो प्रणाम करके हाथ पांव छू के बोलेगा बनाएंगे रोड बनाएंगे, लेकिन बाद में जब जीत जाएगा तो कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं। पहुंचने में समय है और हम बात करते हैं, झुन्नी स्तंभरा के निवासी है हमारे साथ मौजूद। तो बताइए कब, अभी कितना दूर है? अभी यहाँ से लगभग, अभी जो है अभी यहाँ से 2 किलोमीटर और जाना होगा। अभी तक हम लोग कितना आ चुके हैं? अभी 2 किलोमीटर हम लोग निकल चुके हैं, मेन रोड से 2 किलोमीटर चल चुके हैं, 2 किलोमीटर और सीमित रेखा जाना है। क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ती है यहाँ के लोगों को? यहाँ के लोगों की इतनी परेशानी है, जब हम आए देखे परेशानी तो इन लोग को, सबसे बड़ी बात है जब जब से देश आज़ाद हुआ और नीतीश कुमार हो या मोदी जी हो, वो कहता है कि भारत का पहला नागरिक संस्था झांगड़ होता है, लेकिन आज तक देश आज़ाद होने के बाद आज तक रोड नहीं बना इस देश में, गांव में, और कोई महिला अगर सही से टाउन नहीं, मुख्यालय नहीं पहुँच सकता है। सबका बाल बच्चा अभी तक जो है पढ़ा लिखा हुआ है लेकिन मुख्यालय नहीं पहुँच सकता है जी। और क्या समस्या है? समस्या तो पूरे है, जब बाढ़ पानी आ जाता है, जब बरसात का मौसम आता है तो बरसात का मौसम में पूरे नदी चारों बगल से घेरा हुआ रहता है, कोई महिला नहीं पहुंच सकता है, कोई बाल बच्चा नहीं पहुंच सकता है, और उसके लिए इतना संसद बना, विधायक बना, एमपी बना, आज तालुक ये सिमोदी रहेगा के लिए कोई आवाज़ तक नहीं उठा सका, लेकिन हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। हम अब सबसे गुजारिश करते हैं, और जनप्रतिनिधि जो यहाँ आते हैं वोट मांगने, तो आप लोग उनसे बात किए? प्रतिनिधि कोई वोट मांगने लिए नहीं आता है, कोई ऐसा माहौल में वोट मांगने नहीं आता, उसका काज करता आता है, क्योंकि उसको तो घसोटा खाना होगा ना इसे। तो आप वोट काहे देते हैं? वोट तो देना ही होगा, वोट देते हैं तो वादा करता है कि हमने रोड बना देंगे, लेकिन रोड बनाता नहीं, वोट ले लिया रोड बनाता नहीं है जी। अभी तक देखे सारा आदमी है, अभी तो नाव लगता है तब जा करके आदमी जाता है, सबसे ज्यादा तो महिला का दुखित है। आप देख सकते हैं वोट लेने तो प्रतिनिधि, जन प्रतिनिधि यहाँ वोट लेने नहीं आते हैं, उनके लोग आते हैं, और लोग क्या करेंगे, एक आश्वासन में आकर लोग वोट देते हैं, जो कभी तो उनका ये रास्ता बने, कभी तो वे मुख्यालय से जुड़ सके और जो है रास्ता आसान हो सके। अभी और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अभी यहाँ कुछ लोग बोल रहे थे जो अभी ये तो ट्रेलर था, असली पिक्चर देखना बाकी है, तो क्या है असली पिक्चर? असली पिक्चर आपको आगे नज़र आएगा। और सबसे दुर्भाग्य बात यहाँ का ये है कि जो भी लोग यहाँ पे पढ़ते हैं और नौकरी जिनको मिल जाता है तो इलाका छोड़ देता है, अपना शहर में जा कर के रहता। बहुत सारा ऐसा गाँव का है कि जो शिक्षक भी यहाँ पर लेकिन अपने गाँव में नहीं रहते हैं,
जो स्थिति है इस गांव का देखकर वो लोग चले। और आज तक यहाँ पे जो वर्तमान विधायक है, जो सांसद है, वोट मांगने भी नहीं आते हैं। आई लोग वोट देता भी है फिर भी कि किसी तरह से कि हम लोग का काम हो जाए, फिर भी काम नहीं होता। ज़बरदस्ती ये लोग वोट देते हैं कि मेरा काम हो जाए, लेकिन काम नहीं होता है। लोग ज़बरदस्ती वोट देते हैं जो काम हो जाए, पर काम नहीं होता। और काम तो हुआ भी नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं जिस तरह हम अपना जान जोखिम में डाल के हम लोग वहाँ तक जा रहे हैं, तो वहाँ के लोग किस तरह बीमारी में और अन्य इमरजेंसी सुविधाओं के लिए बाहर आते होंगे। मैं गुजारिश करती हूँ कि जो ट्रैक्टर का चक्का है दिखाया जाए, जो किस तरह रास्ता जो है गड़बड़ है। तो चलिए, अभी और मंजिल अभी दूर है और हम लोग जो है अपने मंजिल पर पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ की असली विकास की तस्वीर। 3-4 किलोमीटर इतनी परेशानी में आने के बाद कुछ विकास दिख रहा है। ये कौन सा विकास है इरशाद जी? ये जलनल वाला 7 निश्चय वाला विकास है। वो भी क्या कहता है, जिला परिषद के द्वारा बनाया गया ये काम है। और भी ज़बरदस्ती बेचारा के ऊपर प्रेशर इतना पड़ा कि स्थानीय जिला परिषद, स्थानीय नागरिक है वो, उनको बनाना पड़ा। आप लोग के लिए ढोल और ये इन्हीं की वजह से थोड़ा सा अंदर में है काम, लेकिन मेन रास्ता जो तो हम लोगों का ब्लॉक है। अगर मेन रास्ता खुलेगा तब ना अंदर में कुछ काम होगा, लेकिन अंदर से काम चलने वाला नहीं, बाहर हमारा सही होना चाहिए, फिर अंदर। देखिए, हमारे स्वागत में ये ढोल नगारा है। आप सोच रहे होंगे हमारे स्वागत में क्यों? क्योंकि आशा है इन लोगों को कि हमारे आने से शायद यह सड़क बन जाए। पड़ेगा तो कोई खेत होते हुए जाते हैं तो 2-4 बात तो बोल ही देते हैं। इसलिए हम लोग मांग करें, हम लोग को सड़क बनना चाहिए तो बनना चाहिए, सड़क बनना चाहिए। इसीलिए इन्होंने सड़क को खेत बना दिया है। तो क्या क्या चाहते हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? खेत है, रोड बनना चाहिए। क्या कर रहे हैं ये, क्या किस चीज के लिए ये कर रहे हैं? रोड बनने के लिए। क्या परेशानी होती है रोड नहीं होने से? पानी का परेशानी, कचर का, पानी का। क्या और क्या सुविधा होती है? रोड से जाने आने में सुविधा होगा, रोड बनेगा तो जाने आने में सुविधा होगा लोगों को, और भी बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो दूर होगी। तो आप बताइएगा क्या कर रहे हैं, किस तरह ये धान रोप रहे हैं यहाँ? हाँ, हम लोग देखो सड़क नहीं है, इसीलिए हम लोग धान रोप रहे हैं। सड़क रहता तो हम लोग बाल बच्चा का भी पढ़ाई उढ़ाई में बहुत परेशान होता है। हम लोग देखिए, हम लोग बेटी उटी पढ़ाई लिखे बहुत दिक्कत है, इसीलिए हम लोग पढ़ाई नहीं कर सकते हैं बेटी उटी को अभी। बिल्कुल, पढ़ाई खासकर माने तो सड़क जो है विकास का पैमाना कहा जाता है, लेकिन सड़क नहीं होने से किसी भी तरह का विकास जो है यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, किस तरह हम यहाँ पहुँचे हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह ये खेत ये सड़क खेत बन गया है। इन लोगों का जो अरमान है, सड़क का अरमान, ये खेत में तब्दील हो गए। क्योंकि सरकार का क्या है, सरकार तो बस आती है, आश्वासन देती है और उन्हें वोट मिल जाता है। मोदी रही का सड़क निर्माण करना होगा, रहेगा।
रोपनी का काम करने आए हैं हम लोग। सिमोदी रायका का सड़क निर्माण करना होगा, सिमोदी रायका का सड़क निर्माण करना होगा, सिमोदी रायका का सड़क निर्माण करना होगा। यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो पंचायत का मुखिया हो, कान खोल के सुन ले, कान खोल के सुन ले। अगर इस सड़क का निर्माण अगले एक महीने में नहीं हुआ तो ये जो ग्रामीण वासी है, आप देख रहे हैं आंदोलन करने के लिए तैयार है। पिछले एक महीने से आप देख रहे थे, ये धीरे धीरे आंदोलन के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये एक ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे, ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे कि पूर्णिया के इतिहास में वैसा कोई आंदोलन नहीं हुआ अगर इस सड़क का निर्माण नहीं होगा। हम आग्रह करते हैं, हम विनम्र निवेदन करते हैं आप सबों से कि समय रहते इस सड़क का निर्माण कर दीजिए, क्योंकि पिछले 7 दशक में, आज़ादी के 7 दशक बीत चुके हैं और अभी तक इस पर निगाह आप सबों की नहीं पड़ी है, मगर ये गाँव वाले जाग चुके हैं। और इस बार ये चुप नहीं बैठेंगे, इस बार आपको ये आप एहसास कराएंगे, अपनी ताकत का एहसास कराएंगे, क्योंकि जनता जनता ही मालिक होती है। और आज हम सभी धान रोपनी करने जा रहे हैं इस उसी सड़क पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आक्रोश जो है वो धीरे धीरे बढ़ गया है। ये लोग धान रोप रहे हैं, सड़क पर धान रोक रहे हैं और अपने आक्रोश को दिखा रहे हैं। ये जो डुगडुगी का आवाज आप सुनाई दे रहे हैं, इसमें भी आक्रोश है। यह सरकार तक अपनी इस पैगाम को पहुंचाना चाहते हैं कि विकास की जो आप बोली बोलते हैं, विकास की जो आप बातें करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं धरातल पर लेकर आइए। नहीं जा सकते हैं तो आप बताइए जो किस तरह परेशानी का सामना करना पड़ता है जब आप बीमार पड़ती है, यहाँ के लोग बीमार पड़ते हैं। रास्ता नहीं है, साधन नहीं है, बच्चा कैसे पढ़ सकता है यहाँ पर। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारे पीछे जो है लोगों का आक्रोश है। लोग सड़क पर ही जो है खेत बना दिए हैं, खेत बना के उतरे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये उनका आक्रोश है। और सरकार से एक आशा भी है, जो शायद यह सब कुछ देखकर सरकार जो है वो अपनी जो कुंभकर्णीय नींद में सोई है उससे जगे और इस जगह का विकास करे। आवाज़ 24 न्यूज़ की टीम जो इस गांव पहुंची है, आप तक जो इस गांव की परेशानियों को दिखाई है, इनका कहीं ना कहीं पूरा श्रेय जो है वो नियाज जी को जाता है। और हम अभी बात करते हैं जो आखिर क्या प्रयोजन है इसका। देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जैसे ये झुन्नी स्तंभरार में आप घुसते हैं, कुछ भुटा मोड़ से जैसे आप आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो सड़क की स्थिति है, आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर 6 फीट तो कहीं पर 5 फीट ऐसे बड़े बड़े पानी के गड्ढे हैं। और उस गड्ढों को तैर कर ये गाँववासी रोज़ाना अपने काम के लिए बाहर जाते हैं। और जब महिलाएं जाती हैं तो आपने देखा होगा कितनी दिक्कतें होती हैं, इसी रास्ते से बच्चे भी जाते हैं, महिलाएं भी जाती हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी जाते हैं। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब इस गाँव से कोई मरीज बाहर जाता है, और जब गाँव से मरीज को जाना होता है तो स्थिति तब और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। सोचिए आप उस माँ पर क्या बीतती होगी जब उसका छोटा बच्चा अस्पताल को नहीं पहुँच पाता होगा। आप सोचिए कि जब रात का समय होगा, अंधेरी रात में जब उनको इमरजेंसी में बाहर जाना होगा, जब आपात स्थिति होती होगी, या फिर गर्भावस्था में जब महिलाओं को अस्पताल की तरफ जाना होगा, जो इमरजेंसी का वक्त होता है, उस समय इस सड़क की इतनी कमी खलती है कि कई बार ऐसी घटनाएं हुई है, कई बार गर्भावस्था में महिला को रास्ते में ही डिलीवरी हो गई है। और ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, बूढ़े बुजुर्ग बहुत सारे ऐसे हैं जिनके साथ अलग अलग कहानियां हैं, क्योंकि आज़ादी के 7 दशक बीत चुके हैं और 7 दशक के बाद भी इस गांव तक आज तक एम्बुलेंस नहीं पहुँची है। एम्बुलेंस इस गाँव के दरवाजे में, इस गाँव तक, इस गाँव की दहलीज पर नहीं पहुँची है। और आज़ादी का 74वां वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं तो ऐसी विडंबना है। पूर्णिया में आप देखिए एयरपोर्ट की मांग हो रही है, आज पूरा हैशटैग चल रहा है पूरे पूर्णिया में, एयरपोर्ट की मांग हो रही है। मगर उसी पूर्णिया मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर जब आप आते हैं तो ये एक ऐसा गाँव मिलता है जहाँ पर आज़ादी के 7 दशक के बाद भी आज यहाँ सड़क नहीं पहुँची है। तो इस गाँव वाली की जो समस्या है ये वर्षों पुरानी है
और ये लोग लगातार प्रयास कर रहे थे, मांग कर रहे थे। अब ये लोग, इन लोगों ने ठान लिया है कि अब इस गांव की सड़क बनेगी, किसी भी हाल में बनेगी, चाहे इसके लिए जितना आंदोलन करना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े, ये गांव वाले तैयार हैं। ये लड़ेंगे, डटेंगे, डटे रहेंगे और तब तक आंदोलन करेंगे जब तक इस सड़क का विकास नहीं हो जाता, इस सड़क का निर्माण नहीं हो जाता। बिल्कुल, आशा है कि आपका यह प्रयास जो है यहाँ जरूर रंग लाएगा और जल्द से जल्द जो सरकार है इस ओर ध्यान देगी, जो यहाँ के प्रशासन है इस ओर ध्यान देगी और यह सड़क निर्माण होगा। तो आगे क्या इस सड़क के लिए और भी कुछ आगे आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और ये एक सांकेतिक आंदोलन था, विरोध स्वरूप आज हम लोगों ने धान रोपाई की इस सड़क पे। हम लोग बस अपने प्रतिनिधियों को, जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मुखिया हैं, जिनके पास सड़क निर्माण का फंड होता है, उनको हम ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि इस गाँव वाले अब बहुत कष्ट सह चुके, अब चाहते हैं कि सड़क का निर्माण हो। कृपया अपना ध्यान आकर्षित करिए, वरना हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी पीछे आपने देखा कि हम लोग जल अभिषेक करने जा रहे थे डीएम आवास पे, जिलाधिकारी जी ने मना कर दिया कि आप नहीं आए। 5 लोगों को बुलाया था मिलने के लिए, मिलने का समय नहीं था, वो कहीं और निकल गए। तो हम लोग ने उस आंदोलन को अभी स्थगित किया है, मगर ये स्थगित ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। अगर इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो हम लोग फिर से निकलेंगे, वो जल अभिषेक फिर से करेंगे, पूरा गांव जाएंगे और पूरी गांव जाकर के पूरे पूर्णिया वालों को अपनी गाथा सुनाएंगे कि हम कितने तकलीफ में हैं, कितने दुख में हैं, कितने माओं ने अपने बच्चों को खोया है, कितने नौजवानों ने अपने बूढ़े बुजुर्ग माताओं को, पिताओं को खोया है इस सड़क के लिए। तो इस सड़क के लिए सावन का महीना है, नियाज जी कह रहे हैं जलाभिषेक करेंगे, मतलब इस सड़क पर हम जहाँ तक जानते हैं कि भोलेनाथ को जगाने के लिए जलाभिषेक किया जाता है, तो ये गांव के लोग सरकार को जगाने के लिए जलाभिषेक करेंगे, जिससे सरकार की जो ये कुंभकर्णीय नींद है ये टूटेगी, सरकार इस नींद से जागेगी और इस गांव के विकास पर भी ध्यान देगी। आवाज़ 24 न्यूज़ के लिए पूर्णिया से पूजा मिश्रा।